हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति कॉलेज कुकिंग क्लासेस फ्रॉम इजल करंजी। हम इजल करंजी में लास्ट 20 ऐसे कुकिंग क्लासेस लेते हैं जिसमें 30 प्लस वेज कोर्सेस है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। हमारे ऑनलाइन क्लास आप कहीं से भी कभी भी और किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हो। आज जो हम रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं वो है अपना कलाकंद। कलाकंद तो हम हलवाई से लाते हैं, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो हमें अपने भाई को अपने हाथ से प्यार से बनाकर उसको खिलाने में ज्यादा मजा आएगा और अच्छा लगेगा। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं कलाकंद, वो थोड़ा सा फ्यूजन में हमने लिया है। तो अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आज क्या क्या इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मैंने लिए हैं 2 लीटर फुल फैट मिल्क, मीन्स पैकेट का जो दूध रहता है, अगर आपके पास कोई ला कर देता है तो भी वो भी लिया तो भैंस का दूध चलता है। ये भैंस का दूध फुल फैट मिल्क चाहिए लेकिन, तो इससे हमारा कलाकंद अच्छा बनेगा। ये मैंने लिया है 2 लीटर। तो उसके लिए और लगेगा ये है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड मैंने 1 TSP लिया है, थोड़ी सी इलायची पाउडर। इसके लिए शुगर जो है, शुगर मैंने लिए है 1 कप। अगर आपको मीठा थोड़ा कम चाहिए तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। ये पानी लिया है क्योंकि साइट्रिक एसिड और पानी का मिश्रण लेके हम ये बनाएंगे। और फ्लेवर जो हमने लिया है वो रोज फ्लेवर, आप केसर पिस्ता भी बना सकते हो बट मैंने रोज फ्लेवर लिया है। और 2 कलर में बनाएंगे इसलिए मैंने ब्लू और पिंक 2 कलर लिए हैं। तो अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने आयरन कढ़ाई ली है, आपके पास जो भी होगी वो आप ले सकते हो, बट जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई है वो आपने ली तो बहुत बार वो कलर दूध और जो कढ़ाई है उसको थोड़ा रिएक्शन होके दूध का जो कलर है ना वो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। तो आप नॉनस्टिक की हो तो भी ले सकते हो, अगर आयरन की हो तो बेस्ट, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में जो कलाकंद, काजू कतली, ये सब जो स्वीट्स हैं वो अच्छे बनते हैं, ताकि ये थोड़ा हेवी रहते हैं इसलिए। अब मैंने दूध लिया, हाई फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है, हिलाकर ऐसे कंपलसरी हिलाते रहना है, ऐसे बॉईल आना चाहिए अपने दूध को। तो और ये जो साइड को इसकी मलाई रहती है चिपकी हुई, तो वो भी साइड बाय साइड हमें उसको निकालना है। और ऐसे हमें ये जो दूध है उसको कुक करते हुए इसकी जो क्वांटिटी है वो हम हाफ करेंगे, मीन्स हाफ क्वांटिटी करने के बाद हम कलाकंद को स्टार्ट करेंगे। ये पहले हम थोड़ा सा गाढ़ा उसका दूध बनाएंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा जो दूध है वो हाफ हो गया। अब हम जो साइट्रिक एसिड है तो साइट्रिक एसिड का पानी बनाएंगे। ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया है पानी, इसमें 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे साइट्रिक एसिड और इसको अच्छे से डाइल्यूट करेंगे ताकि इसके जो दाने हैं मिक्स हो जाए पानी में, और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये जो पानी है मैं एकदम 2-2 ड्रॉप ही पहले डालने वाली हूँ। यहाँ पे हम जो गैस है हमारा वो मीडियम आंच करेंगे इसकी। अब ऐसे दाने दिख रहे हैं तो ऐसे ही हमें इसको हिलाते रहना है। अब मुझे और थोड़े दाने चाहिए तो मैं क्या करूँगी, और थोड़ा इसमें साइट्रिक एसिड, ज़्यादा एक साथ मत डालना, ओनली 2-2 ड्रॉप्स ही आपको ऐड करने हैं, ताकि ये जो ग्रैन्यूल्स आते हैं, ये जो दाने आते हैं वो अच्छे से आएंगे। अदरवाइज आपका जो पनीर इसका बनेगा वो एकदम चूड़ी हो जाएगा, मीन्स ऐसे झट से ऐसे सॉफ्ट नहीं बनता। हमारा कलाकंद कैसे रहता है कि एकदम सॉफ्ट रहता है। अभी ये एक ही जगह पे भी नहीं डालना, इसको अगेन ऐसे हिलाते रहना और धीरे से इसको हिलाते रहना। अब ये इसके दाने अच्छे से हो गए हैं तो इसको हमें अभी, ये जो आपको साइड में दूध या पानी दिख रहा है तो इसको ऐसे हिलाते रहना। ये थोड़ा सा कम होने के बाद
हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। एकदम रबड़ी कंसिस्टेंसी हो गई तो इसमें हम ऐड करेंगे अब शुगर। अब ये उड़ रहा है, आपके हाथों पर भी उड़ सकता है, तो क्या करना, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गैस कम करोगे तो भी चलेगा, ये हाथों पर ऐसे उड़ता है। अब ये जो शुगर है वो हम 3 पार्ट में इसको ऐड करेंगे। ये पहली की जो शुगर है इसको अच्छे से मेल्ट होने के, मीन्स उसके दाने नहीं दिखने चाहिए, मेल्ट होने तक हमें खिलाना है थोड़ी सी दानी। मीन्स जो टोटल शुगर है इसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है और फिर इसमें ऐड करना है। अब ये शुगर मेल्ट हो गई, अगेन मैं जो बची हुई शुगर थी वो ऐड, हम इसमें ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर, अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी ये रोज इसेंस, मैंने वाइट रोज इसेंस लिया है, आपके पास जो हो वो आप यूज़ कर लीजिए। अगर इमल्शन है तो इमल्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो पानी है, ये पानी फूकने फूकता है वो पूरा कम होने तक इसको हमें कुक करना है। अब इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट ताकि कलर अच्छा आ जाए, और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे घी। नीचे की कढ़ाई ऐसे हमें दिखनी चाहिए और साइड का जो पानी है वो पानी ख़त्म होना चाहिए, तब तक इसको हमें अभी और कुक करना है। अब मैंने जो गैस की फ्लेम है वो लो रखी है, ये जो पानी निकल रहा है वो पानी पूरा निकलने का बंद होने तक हमें इसको कुक करना है। अभी पानी निकलना बंद हो गया और ये जो कढ़ाई का नीचे का जो बॉटम है वो अभी दिख रहा है, तो अब यहाँ पे इस स्टेप पे हम गैस बंद करेंगे और इसको 5 मिनट कंटिन्यूसली हिलाना है। इसे मुझे 2 कलर में करना है तो मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी और एक दूसरी कढ़ाई में इसको ऐड करूंगी। इसमें मैं ब्लू कलर 2 कलर में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है ब्लू कलर, और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसमें ऐड करना है हमें पिंक कलर। अब मैं इसको 2 कलर में सेट करने वाली हूँ, आप 1 कलर में भी बना सकते हो या आपको फ्लेवर में भी ओनली केसर वाला चाहिए या इलायची वाला चाहिए वो आप अपने हिसाब से ये बना सकते हो। अभी दूसरे कलर का लेयर, थिकनेस आपको सेम रखनी है दोनों की। इस रक्षाबंधन आप अपने हाथों से मिठाई बनाकर अपने भाई को खिलाना और कमेंट बॉक्स में हमें लिखना कि यह आपने रेसिपी आपकी कैसी बनी है, और फोटो भी हमें ज़रूर भेजना। एक जैसा सेट करने के लिए ऐसे जो स्केल रहती है वो स्केल मैंने यूज़ की है। ये ऐसे प्रेस करके इसको सेट करना है, फिर सेट करने के लिए इसे 6 से 7 घंटे लगेंगे, ऐसे ही आपको उसको सेट करना है और 6-7 घंटे के बाद इसको कट करना। अब ये सेट हो गया है तो इसकी जो ये बर्फी हम कट करेंगे वो शेप आप जो चाहे वैसा बना सकते हो। अगर आपको ऐसे सेट नहीं करना तो आप इसको जो कटोरी रहती है उसमें भी आप सेट कर सकते हो और सर्व कर सकते हो। नीचे से धीरे धीरे से आपको ऐसे निकालना है, जो साइड्स हैं वो भी
यूज करनी है और ये ऐसी बर्फी तैयार हो जाएगी। ये हम इसको ऐसे सर्व करेंगे।